हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पीच हैबिट्स के बारे में कि कितनी तरह की लोगों की बोलने की आदतें होती हैं। जैसे कोई कोई लोग होते हैं कि बहुत ही कम बोलते हैं, आप रेयर ही उनसे कोई वर्ड सुनेंगे। अच्छा, कोई होते हैं कि बोलते तो हैं ही कम, पर जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी गहरी बातें छिपी होती हैं। जैसे कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है गागर में सागर, कि कम बोलो पर उसमें जो बोलो तो बहुत सारी गहराइयाँ होती हैं उस बात में। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते ही रहते हैं, हर वक्त बोलते ही रहते हैं, पर क्या होता क्या है कि उनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पूरी मतलब कोरी बकवास बोलते रहते हैं हर वक्त। अब कोई ऐसे भी होते हैं कि अपने वर्ड्स को रिपीट कर, अपने सेंटेंसेस को रिपीट करते रहते हैं बार बार। जैसे कि ओल्ड एज में आदत पड़ जाती है कई बार कि उन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रिपीट करते रहना बार बार, तो वो भी एक स्पीच हैबिट है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्पीच हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम ये सारे अपने कुछ वर्ड सीख लेंगे, इनमें से अगर हमें करना क्या है, हमें वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। जैसे हमने चाहे पर्सनैलिटी की क्लास देखे या साइंस की फील्ड के हमने वर्ड्स देखे थे, या कोई भी जो भी हम एक फील्ड उठाते हैं उसमें से कुछ वर्ड्स निकालते हैं और उन वर्ड्स में से हम अपने रूट्स निकाल लेते हैं काम के। ये नहीं कि हम उन वर्ड्स को भूल जाएंगे, वो तो याद रखने ही है, साथ में हम रूट्स निकालना सीखते हैं वर्ड्स से, और फिर उन रूट से हम नए नए वर्ड्स भी सीखते हैं। तो वही याद करेंगे कि जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं उनमें से रूट्स निकाल के उनसे देखेंगे कितने सारे नई पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, कितने सारे नए वर्ड्स आ जाते हैं। और यही हमारे एग्जाम में करना है हमें, कि जो हम वर्ड देखें उसमें से रूट पहचानना जरूरी है ताकि उसका मीनिंग हम समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब हमारा आज का पहला वर्ड आया टैसिटर्न। टैसिटर्न कौन होते हैं दोस्तों? टैसिटर्न वो लोग होते हैं जो बात करना ही नहीं चाहते, मतलब कि बहुत कम बोलते हैं और उन्हें कन्वर्जेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो ये नहीं कि उन्हें कोई जो अपना ईगो हो गया बहुत ज़्यादा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं किसी से क्यों बात करूँ, नहीं, उनकी आदत ऐसी है कि वो कम ही बोलते हैं। पर्सन्स हु टॉक वेरी लेस, पर्सन्स हु टॉक वेरी लेस, अब ये तो वो हो गए वो बंदे जो कम बोलते हैं। अब उस आदत को क्या कहा जाता है, जो कम बोलने की आदत है उसे बोला जाता है टैसिटर्निटी। टैसिटर्निटी मतलब कि अनविलिंग टू एंगेज इन कन्वर्सेशन। आप मतलब मान लीजिए किसी बंदे से बात करने की कोशिश करे जा रहे हैं, हाय हेलो कैसे हो, वो कह रहे हैं हाँ ठीक हूँ, हाँ इस तरह का जवाब दे रहा है, मतलब कि उसे इंटरेस्ट ही नहीं आपसे कन्वर्सेशन करने में। तो ऐसे में आपको साइड हट जाना चाहिए। अब ये जो पूरी प्रक्रिया हुई कि उसने हाँ हूँ में जवाब दिया, इसका मतलब वो अनविलिंग टू कन्वर्स है, कन्वर्सेशन है, अनविलिंग टू एंगेज इन कन्वर्सेशन। इसे कहा जाता है टैसिटर्निटी। अब एक और वर्ड होता है इससे जुड़ा हुआ, टैसिटनेस। टैसिटनेस का क्या मतलब है दोस्तों? क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई भाई बहन होते हैं कई, या फिर जो है कई दो अच्छे दोस्त होते हैं, या कोई प्रेमी भी होते हैं लंबे टाइम के, उनका क्या होता है कि भाई बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं ना, तुमने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, फिर भी दोनों सबको समझ गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से साथ में है, एक दूसरे के थॉट्स प्रोसेस को समझते हैं, एक दूसरे की आदतों को समझते हैं, तो इशारों में ही कई बार बात हो जाती है, कई बार बिना कुछ कहे ही बातें हो जाती हैं। तो ऐसी बातों को कहा जाता है टैसिटनेस, यानी कि विदाउट एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसिंग एनीथिंग टू बोथ पीपल हैव अंडरस्टूड थॉट्स, विदाउट एक्सप्लिसिटली टॉकिंग thoughts have been exchanged या फिर understood, एक दूसरे के जो thoughts हैं वो हम दोनों ने समझ लिए अच्छे से, exchanged। अब एक और word हम ला, अच्छा एक और अब रह गया है reticence। ये भी लोग वही होते हैं जो कम बोलते हैं, बहुत ही कम conversations में engage होते हैं। अब आप कहेंगे भाई रेसिटनेस का ये मतलब हो गया, टैसिटन का भी मतलब हो गया, तो फिर दो दो वर्ड क्यों दे दिए, एक ही बात है? नहीं, अंतर क्या है दोस्तों, टैसिटन जो लोग होते हैं ये इनकी आदत है कम बोलना, इनकी मजबूरी नहीं है, जबकि जो रेसिटनेस लोग होते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये कन्वर्सेशन में बात करते टाइम शर्मा जाते हैं कई बार, या फिर हेजिटेशन फील करते हैं, हिचक फील होती है इन्हें बोलने में,
कि पता नहीं सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचे, पता नहीं मैं सही बोल भी रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा। तो ये जो बातें हैं, इन ये बातें रोकती हैं रेसिडेंस लोगों को बात करने से। तो अनविलिंग टू टॉक बिकॉज ऑफ शायनेस या फिर हेजिटेशन, ये हो गया हमारा रिसाइटनेस। अब एक और वर्ड बोलते हैं हम, एक और वर्ड आ गया हमारा लैकोनिक। लैकोनिक कौन होते हैं दोस्तों? लैकोनिक वो लोग होते हैं दोस्तों जो बोलते तो बहुत बहुत कम है, बट जब वो बोलते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गहरा मतलब छुपा होता है। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब वैसे तो आपने रेयर ही शायद उनको सुना होगा बोलते हुए, पर जब वो बोलते थे तो बहुत अच्छा बोलते थे। जब वो बोलते तो यानी कि बोलते कम ही थे, बट उस कम बोलने में बहुत गहराई के मतलब होते थे, जो उन्हें कहना होता था कम में ही सब कुछ कह देते थे। तो ऐसे बंदों को कहा जाता है लैकोनिक, यानी कि दे ऑल्सो टॉक लेस बट देयर वर्ड्स कैरी डेप्थ। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड बना है, सरकमलोक्यूशन। इसका क्या मतलब है सरकमलोक्यूशन का? आइए पहले सरकम का मतलब देखते हैं हम। लैकोनिक तो हम समझ गए, वही कम बात करने से बना हुआ है। सरकम का मतलब होता है दोस्तों सर्कल। सरकम सर्कल से ही बना हुआ है, लोक्यूशन मतलब बातें करना। तो सरकम लोक्यूशन का मतलब वो लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, बातें घुमा घुमा के लाते हैं पॉइंट पे। जैसे कहते हैं ना बीटिंग दी बुश, इसका क्या मतलब होता है? मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा बीटिंग दी बुश। इसका मतलब होता है कि वो बंदर जो पॉइंट की बात तो कर नहीं रहा है, काम की बात हमारे, कभी इधर की बात कर रहा है कभी उधर की बात कर रहा है, भाई सीधी बात कर, कहना क्या चाहता है। तो ऐसे बंदों को कहा जाता है सरकम लोक्यूशन, यानी कि टॉकिंग राउंड अबाउट। तो ये हो गया हमारा सरकम लोक्यूशन। अब कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अब आइए एक और वर्ड देखते हैं, इनआर्टिकुलेट। इसका क्या मतलब होता है इनआर्टिकुलेट? ये भी कम बोलते हैं, पर ये लोग कम क्यों बोलते हैं? वैसे ठीक है नॉर्मल बोलते हैं ये लोग, बट क्या होता है कि जब कई बार इमोशनल सिचुएशन आ जाती है रोने वाली, या फिर बहुत ज्यादा खुश होने वाली सिचुएशन आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इतना ऊपर से बॉस ने ऑर्डर दे रखा है, 100 काम है, समझ नहीं आ रहा, डेडलाइन इतनी है, अप्रोच हो रही है पास में, तो ऐसे लोगों में ऐसे टाइम्स में ये लोग घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे बहुत कम बोलते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि भाई ये शादी वगैरह में गए हैं, आप बात कर रहे हैं लोगों से, बड़े बड़े इतने सारे लोग हैं, या मान लीजिए किसी फंक्शन में गए हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों से आप मिल रहे हैं, तो एक प्रेशर सिचुएशन हो जाती है कि उधर मैं कैसे बात करूँ, कैसे खुद को प्रेजेंट करूँ। तो ऐसी सिचुएशंस में ये लोग घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, पैनिक हो जाते हैं एक तरह से। दे टॉक लेस अंडर प्रेशर और इमोशनल सिचुएशन। जैसे मान लीजिए ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत ही प्रेशर होता है कि अच्छी जानी ये प्रेजेंटेशन, तो उस जगह ये लोग सब गड़बड़ कर देते हैं, खराब कर देते हैं पैनिक होने के चक्कर में। तो ये हो गए हमारे इनआर्टिकुलेट लोग। अब ये हो गई बहुत सारी बातें हमने कर ली कम बोलने वालों के बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं ज्यादा बोलने वालों के बारे में भी। जैसे कि एक होते हैं लोक्वेशियस। अभी लोक्वेशियस लोग जो होते हैं ना दोस्तों, ये इनका एक ही काम है बोलते रहना, ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, टॉक वेरी मच। अब आप समझिए दोस्तों कि लोक्वेशियस के अंदर ना बहुत सारी कैटेगरी हैं बोलने की। कोई कोई होता है कि बोलता बहुत है पर कोई सेंस नहीं बनाता, कोई कोई होता है कि बहुत ज़्यादा बोलता है पर उसको रिपीट करता रहता है, उसके लिए भी एक नाम है। कोई बहुत सारे के मतलब बोलने, कोई बहुत ज़्यादा लाउड और नॉइजी बातें करता है, चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, इस तरह के भी लोग होते हैं। पर मतलब बहुत सारी कैटेगरियाँ होती हैं ज़्यादा बोलने वाले लोगों की, पर उन सबको अगर हम एक क्लब करके एक नाम देना चाहें तो वो नाम होगा लोक्वेशियस, यानी कि जिसका सीधा सीधा सिंपल मतलब है टॉक वेरी मच, जो कि डिराइव हुआ है लोक्वस से, जिसका मतलब है टॉक करना।
अब हम देखेंगे कि भाई लॉकवा से कितने तरह के शब्द हम बना पाते हैं, क्या मतलब होता है लॉकवा का। चलिए पहला शब्द हमारा आ रहा है अब, सॉलिलॉक्वा है। सॉलिलॉक्वा इसका क्या मतलब होता है? सॉलिलॉक्वा ये लोग कौन होते हैं जो खुद से बातें करते रहते हैं, बोलने में तो ये भी कम नहीं है, ये भी पूरी बातें करते हैं, बट लोगों से बोलने के बजाय खुद से ज्यादा बातें करते हैं ये, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है सॉलिलॉक्वा। टॉक अ लॉट विद सेल्फ, विद वन सेल्फ, यानी कि खुद से बातें करते हैं, बोलने में कम नहीं है पर दूसरों के बजाय खुद को ही तंग करते रहते हैं अपनी बातों से, ऐसे लोगों को कहा जाता है सॉलिलॉक्वा। अच्छा अब आपने, बहुत लोगों ने पपेट शो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना तो होगा ही, मैंने भी नहीं देखा पर सुना तो है ही मैंने। अच्छा एक पपेट शो होता है जिसमें हाथ में कुछ मास्क टाइप का पहना जाता है और फिर वो ऐसे फिंगर से कुछ कुछ करते हैं कि लगता है कि वो जो मास्क है वो बोल रहा है, पर फिर आप उस जो बंदा है ना जो ये बोल रहा है उसके चेहरे को देखिएगा, कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो कुछ बोल रहा है। तो क्या कहा जाता है ऐसे बंदों के बारे में? कि वो अपनी बैली से बोल रहा है, अपने पेट से बोल रहा है। अब ऐसा है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बट ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अपने बैली से बोलते हैं, इसलिए इनके होठ तो चुप रहते हैं बट इनका जो पपेट है ऐसा लगता है इनका पपेट बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? वेंट्रिलोक्विस्ट। शायद आपने ये नाम सुना भी होगा ऐसे लोगों के लिए। वन हु पुट्स पपेट शो व्हाइल टॉकिंग फ्रॉम बेली। अब इधर एक चीज और नोट करने की है दोस्तों, ये जो लॉक्विस्ट तो समझ में आ गया टॉक है इसका मतलब, पर ये वेंट्री का मतलब क्या है? वेंट्री का मतलब ही है बेली या फिर बेली या फिर फ्रंट। वेंट्री का मतलब क्या हो गया कि या तो बेली की बात करते हैं वेंट्री का मतलब जब होता है, या फिर फ्रंट की बात करते हैं तो कहा जाता है, यानी कि वेंट्रिलोक्विस्ट जो बेली से बात करे। सिंपल सी बात हो गई वेंट्रिलोक्विस्ट। तो अब और कुछ वर्ड देखते हैं। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट कौन होते हैं ये दोस्तों? एलोक्वेंट क्या होता है? बड़े अच्छे होते हैं बोलने में, बहुत अच्छी फ्लुएंसी होती है इनके बोलने में, बड़े शानदार तरीके से बात करते हैं, जैसे कई लोग होते हैं शायराना अंदाज में बात करने वाले लोग होते हैं, तो इन ऐसे लोगों को एलोक्वेंट कहा जाता है, यानी कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देते हैं यार, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन टॉकिंग। मतलब इनकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, ये नहीं कि खामखा की बकवास करे जा रहे हैं, शायराना बातें करना, कोई अच्छी आर्टिस्टिक बातें करना, कविताओं की बातें करना, पेंटिंग की बातें करना, ऐसे लोगों को कहा जाता है एलोक्वेंट। अच्छा जो हम ऐसे बातें कर रहे हैं, जो एक तो हो गया आर्टिस्ट टाइप स्ट्रॉक, एक होता है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छे से बात करना, साइंटिफिक बातें करना, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ये भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही। कोजेंट, वन हु टॉक्स वेरी फ्लुएंटली लॉजिकली साइंटिफिकली, यानी कि बहुत अच्छे जब ये बोलते हैं तो दिमाग लगा के अच्छा ही बात बोलते हैं, कोई नहीं ज्यादा बोले, कोई बात नहीं कम बोले, बट जब बोले तो अच्छा बोले, साइंटिफिक बात करें, लॉजिकल बात करें, और बहुत ही मजा आता है सुनने में कि इतनी फ्लुएंसी से बात करते हैं ये लोग। टॉक्स फ्लुएंटली लॉजिकली। अब आप दोनों में डिफरेंस समझिए दोस्तों, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं। एक हो गया हमारा एलोक्वेंट, एक हो गया हमारा कोजेंट। एलोक्वेंट जो है आर्टिस्टिक बात करते हैं, शायराना टाइप की बातें करते हैं, जबकि कोजेंट जो है लॉजिकली बात करते हैं, यानी कि साइंटिफिक बात करते हैं। दोनों ही सुनने में अच्छे हैं, दोनों ही अच्छा बोलते हैं, बस दोनों का बोलने का तरीका एकदम अलग अलग है, इसलिए हमें दोनों को अलग ही तरह से देखना है। एक हो गया हमारा एलोक्वेंट, एक हो गया हमारा कोजेंट। अच्छा अब एक और वर्ड देखते हैं हम एक देखते हैं ग्रैंडलोक्वेंट। ये हो गया हमारा एक तो ग्रैंडलोक्वेंट, और एक और होता है दोस्तों मैग्नीलोक्वेंट। इन दोनों को हम एक साथ ही उठाएंगे अभी। क्यों उठाएंगे इसका भी रीजन हम बताते हैं आपको, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूं क्यों को।
क्या होता है कि दोस्तों ग्रैंड का क्या मतलब होता है, आप मुझे बताइए ग्रैंड का मतलब क्या होता है। ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, ये तो सबको मालूम है। ग्रैंडफादर मतलब बड़े पिताजी, जैसे बब्बर शेर होता है ना, कि बब्बर शेर एक होता है शेर, एक होता है बब्बर शेर। बब्बर शेर क्या होता है, बड़ा शेर। तो उस बब्बर को मतलब हम ग्रैंड ही बोलते हैं, बिग, ह्यूज ब्रदर। अच्छा, मैग्निक में जो मैग्निलोक्वेंट है, इसमें मैग्नी का क्या मतलब है, ये दोस्तों बना है मैग्नम वर्ड से, इसका मतलब भी ह्यूज ही होता है। तो अब आप समझ गए होंगे ग्रैंड लोक्वेंट का क्या मतलब है। सोचिए जरा 2 सेकंड के लिए। ग्रैंड लोक्वेंट दोस्तों वो होता है, एक तो इसका मीनिंग बन गया कि बहुत ज्यादा बोलने वाला, ना सिर्फ बहुत ज्यादा बोलने वाला बल्कि बहुत लंबी लंबी फेंकने वाला और बहुत ज्यादा बोलने वाला। टॉक्स वेरी मच एंड फार फेच्ड, यानी कि बहुत लंबी लंबी की पकड़ी भी न जाए, इतनी लंबी लंबी फेंकने वाला, ऐसे लोगों को कहा जाता है। दोनों ही कहा जाते हैं, ऐसे लोगों को ग्रैंड लोक्वेंट भी कहा जाता है और मैग्नी लोक्वेंट भी कहा जाता है। अच्छा, एक और वर्ड हम देखते हैं, कॉलोक्वालिज्म। कॉलोक्वालिज्म कौन होते हैं दोस्तों? कॉलोक्वालिज्म होते हैं कि क्या होता है कि जब जैसे दो लोग जो होते हैं, या दो कॉमनली होता है, दोस्तों के बीच में जो भाषा होती है वो लिखने वाली भाषा नहीं होती है जो वो आपस में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो होता है कि आप एक प्रॉपर सा लेटर लिख रहे हैं, उसमें तो बड़ी आदरणीय है और इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे आप, कृपया हमारा ये काम कर दीजिए, आपका बहुत क्या कहते हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें। क्या आपने कभी ऐसे अपने दोस्त से बात करते हैं ऐसे, आप कैसे हैं आज, कृपया आप हमारे साथ खेल लीजिए, आज हम आपके बहुत ही आभारी होंगे? नहीं। और भाई आज खेलेगा, क्या खेलना है आज बता, ऐसे बात करते हैं हम दोस्तों से। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका हो गया बात करने का। तो बस कॉलोक्वियलिज्म वही है, इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीचिंग, इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। इसे क्या कहा जाएगा, कॉलोक्वलिज्म, यानी कि कॉलो मतलब हो गया इनफॉर्मल। तो चलिए अब कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अब हमने मैग्नम वर्ड देखा था, इसका मतलब होता है बड़ा, पर मैग्नम का एक और मतलब भी होता है। मैग्नम मतलब दोस्तों होता है जनरली अ बोटल ऑफ अ साइज Twice the size of standard bottle। मतलब जैसे आप लेते हैं ना, बिस्लेरी की बोतल होती है 1 लीटर की, अगर आप कोई बड़ी बोतल ले लें 2 लीटर की, 4 लीटर की, 3 लीटर की, तो उसे कहा जाएगा मैग्नम बोतल, यानी कि बहुत बड़ी बोतल। अब मैग्नम से ही जुड़ा हुआ एक और वर्ड होता है, मैग्नम ओपस। क्या वर्ड होता है, मैग्नम ओपस। इसका मतलब दोस्तों होता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी कि पेंटिंग हो गई, या फिर कोई शायरी हो गई, या फिर कुछ भी, एक बहुत ही बड़ा अच्छा, अ वेरी गुड आर्ट एग्जाम्पल, पेंटिंग, सॉन्ग, पोयम, या जो भी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस दिखाने के तरीके होते हैं, उनमें से कोई बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार कोई चीज, कोई पीस होता है, तो उसको कहा जाता है मैग्नम ओपस। अब हम जब मैग्नम की बात कर रहे हैं, तो एक वर्ड आपने बहुत ही कॉमनली सुना ही होगा, मैग्निफाई, और इसका मतलब भी आपको सब पता ही होगा, वो भी यहीं से आया दोस्तों। मैग्निफाई मतलब कि टू मेक समवन समथिंग, टू मेक समथिंग लुक बिगर, टू मेक समथिंग बिगर। मतलब एक्चुअल में ये नहीं कि मैग्नीफाई ग्लास से आप किसी को चीज को देखेंगे तो सच में बड़ा हो जाएगा, चींटी का हाथी हो जाएगा। मैग्नीफाई ग्लास का फायदा होता है कि आप उसको, वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, तो आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपको बड़ी नजर आ रही है। मैग्नी इसे कहा जाता है मैग्नीफाई करना किसी चीज को, और कोई भी चीज मैग्नीफाई किससे होती है,
मैग्नीफाई ग्लास से होती है। अच्छा, एक और वर्ड होता है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का क्या मतलब होता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैग्नानिमस में से मैग्मा, ये मैग्नम वर्ड को देखिए, इसका मतलब होता है बड़ा, और जिसके पास बड़ा दिल हो उसे कहा जाता है मैग्नानिमस। समवन हैविंग हैविंग बिग हार्ट। अब बिग हार्ट मतलब ये नहीं कि उसे कोई बीमारी हो गई है, कि उसका दिल जो है नॉर्मल से बड़ा साइज का है, मतलब कि वो इतना ज्यादा अच्छा आदमी है, इतने अच्छे तरीके से सबके बारे में सबसे बात करता है, सबके बारे में उसके मन में कुछ भी गलत भावनाएं नहीं है, सबके लिए अच्छा ही भावना रखता है, अच्छी सोच है सबके लिए, ऐसे बंदों को कहा जाता है मैग्नानिमस। जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कोरोना के टाइम में उसने लोगों की बहुत सहायता करी होगी, जैसे सोनू सूद है, उन्होंने कितनी सहायता करी लोगों के लिए, तो इसलिए कहा जाता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, यानी कि वो एक मैग्नानिमस पर्सन है। अच्छा, एक और पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम, एक होता है मैग्नेट पर्सन। ये मैग्नेट पर्सन कौन होते हैं दोस्तों? मैग्नेट पर्सन वो होते हैं जो हाईली इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल होते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके पास पावर होती है और वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी चीज को, हाईली इन्फ्लुएंशियल, कोर्ट केसेस तक को भी वो लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं, एंड पावरफुल। पावरफुल मतलब ये नहीं कि कोई बॉडी वॉडी बनाकर बैठे हैं, पावरफुल इन नेचर मतलब उनकी चलती है उस इलाके में या फिर किसी जगह पर। जैसे सरकारी अफसर होते हैं, उनकी पावर होती है, यानी कि वो उनकी चलती है कहीं पर, वो अगर अपने सरकारी महकमे में कुछ काम करवाना हो तो इजीली करवा पाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है मैग्नेट। अच्छा, एक मैग्नेट वो भी होती है ऑफकोर्स, जो कि चुंबक को, जिसे कहा जाता है चुंबक, जो लोहे से जाके चुंबक जाती है या आपस में चुंबक जाती है, रिपेल भी करती है आपस में, वो भी एक मैग्नेट ही है। अब वापस हम अपने स्पीच पे आ जाते हैं और एक दो स्पीच के भी वर्ड्स देख लेते हैं, पकड़ के तो हमें स्पीच को ही रखना है ना, ये सब तो हम जो बीच में रूट देख रहे थे मैग्नम, उससे रिलेटेड वर्ड्स देख लिए थे। ये एक वर्ड है बैनल। बैनल का क्या मतलब होता है दोस्तों? बैनल वो लोग होते हैं जो कि इतना ज्यादा मतलब नकली बातें करते हैं, इतने ज्यादा बनावटी बातें करते हैं कि सामने वाला बोर हो जाए और समझ में आ जाता है कि ऑब्वियसली झूठ है, क्यों बनाया जा रहा है बेकार की बातें, ये हमसे क्यों कर रहा है। समवन हु मेक्स फॉल्स टॉक्स सो एज easily caught and becomes boring। इधर हम जो है मीनिंग में ग्रामर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इधर हमें जो है समझ मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये ऐसे लोगों को कहा जाता है बैनल। अब एक और वर्ड होते हैं गैरुलस। ये गैरुलस का क्या मतलब होता है? कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं और कुछ भी सेंस नहीं बनाते हैं, कुछ भी इनकी बात का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक हमने पढ़ा था लैकोनिक, पहले हम गैरुलस देखते हैं फिर लैकोनिक का ये देखें। तो गैरुलस और लैकोनिक में क्या रिलेशन है? लैकोनिक था वो बंदा जो बहुत कम बोलता है, पर जब बोलता है तो बहुत ज़्यादा उसकी बात में गहराई होती है, और उससे ठीक उलट होते हैं गैरुलस लोग, टॉक वेरी मच बट means very less, meaning very less, talk very much but mostly useless। बहुत सारी बातें करते हैं ये लोग, पर कुछ उसमें से नन्ना सही कुछ मतलब बनता होगा, क्योंकि जैसे न्यूज चैनल होते हैं ना कि पूरे दिन एक ही न्यूज को दिखाते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने जो है 20 घंटे से न्यूज देखे जा रहे हैं और पता चलेगा उस न्यूज में बात तो सिर्फ 2 मिनट की थी काम की, बाकी सब तो गैरुलस टॉक्स ही थी, यानी कि बेकार की बातें ही थी ऐसे। चलिए, तो ये हो गया हमारा गैरुलस, ठीक उलट किसका? लैकोनिक का। तो आज की हमारी क्लास दोस्तों यहीं पे खत्म हो गई स्पीच हैबिट्स रिलेटेड, पर स्पीच हैबिट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम स्पीच हैबिट्स को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और स्पीच हैबिट्स को देखेंगे और फिर उनसे जुड़े हुए कुछ और रूट्स को देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों आज की क्लास पसंद आई तो हमें वीडियो पे लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट रह गया है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस के टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।